हाय गाइस, माय नेम इज संध्या एंड आई एम अ रियल्टर विद ईएक्सपीडिया। सो गाइस, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई पीपल आर लीविंग ईएक्सपी एंड व्हाट आर द रीजंस। कुछ मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो मुझे लगता है कि आपसे शेयर करना चाहिए और हम सबको जानना बहुत जरूरी है। जो भी ऑनबोर्डेड एजेंट्स हैं, जो न्यू ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सो गाइस, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, मे बी आपको कुछ हेल्प हो। सो गाइस, पहला टॉपिक है टेक्नोलॉजी सिस्टम। जब हमने ईएक्सपी ज्वाइन किया था तो हमें सबको पता है कि ईएक्सपी इज ऑल अबाउट टेक बेस्ड कंपनी, राइट। सो गाइस, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि दिस इज अ फ्यूचर। आगे जाके जितनी भी कंपनीज आने वाली है वो सब एक टेक बेस पे होने वाला है, सब कुछ टेक होने वाला है। सो ईएक्सपी ऑलरेडी आगे चल रहा है, काफी ऑनबोर्डेड एजेंट्स है जो सिस्टम यूज नहीं करते हैं। गाइस, दिस इज द रीजन व्हाई पीपल लिव ईएक्सपी। सो मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि प्लीज यूज सिस्टम, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, बिकॉज अगर आप अभी यूज नहीं करोगे तो आप अपने आप को पीछे रह जाओगे आप। सो गाइस, आप सबको पता है कि इसका जो मॉडल है ईएक्सपी का, जो भी आप ट्रेडिशनल वे से काम कर रहे हो वो सब चीज आप कॉस्ट कटिंग करके घर से आप ये हमारे टूल्स के थ्रू काम कर सकते हो। वी हैव अ वेरी पावरफुल टूल्स, राइट। सो ये आपका पैसा सेव करेगा, टाइम सेव करेगा गाइस। तो आपसे सिर्फ एक ही मैसेज है कि जो भी ऑनबोर्डेड एजेंट्स है गाइस, प्लीज यूज सिस्टम और यू नो अपने आप को ग्रो कीजिए ईएक्सपी के साथ। सो गाइस, सेकेंड टॉपिक है ट्रेनिंग्स। हम सबको पता है कि इंडिया में स्पेशली रियल स्टेट का कोई लाइसेंस नहीं है। हर एक बंदा आज रियल स्टेट करना चाहता है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि रियल स्टेट होता क्या, राइट। सो गाइस, ईएक्सपी ही एक ऐसा कंपनी है मार्केट में जिसका खुद का यूनिवर्सिटी है। आप 30 इयर्स 50 इयर्स का अगर आप ट्रेनिंग्स अटेंड करते हो तो आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। एंड एवरी डे लाइव सेशंस होता है, जो भी हमारे टूल्स है आपको सिखाया जाएगा कैसे यूज करते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज अवेलेबल है। यहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट 100% मिलेगा, राइट। सो गाइस, प्लीज जब भी आप ज्वाइन करते हो तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है, कैसे सिस्टम यूज करते हैं पहले वो सीखना है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं, देन दे जस्ट लीव द प्लेटफॉर्म। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है गाइस, सबसे पहला आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है, देन यू कैन ग्रो विद ईएक्सपी इन फ्यूचर। सो तीसरा टॉपिक है लीड जनरेशन। काफी लोगों को ये लगता है कि ईएक्सपी इज अ लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म। गाइस, लेट मी टेल यू, ईएक्सपी जो है वो एक ब्रोकरेज कंपनी है। यहाँ पे लीड जनरेशन का आपको एक सपोर्ट दिया गया है, ये एक पार्ट है लीड जनरेशन का। उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि अगर आप अभी आपके लोकल एरिया में बैठ के आप दूसरे स्टेट के साथ इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर सकते हो। अगर ईएक्सपी नहीं है तो देर इज नो एनी अदर वे जो आप अपना बिजनेस एक अलग लेवल पे एक्सपैंड कर सको, राइट। सो गाइस, प्लीज समझिए सिस्टम को कि यहाँ पे लीड यस मिलेगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट है जो आपको दिया गया है। अगर आप सिर्फ लीड्स के लिए यहाँ पे आ रहे हो तो इट्स अ रॉन्ग आइडिया। एंड देन यू नो दिस इज द ओनली रीजन व्हाई पीपल लीव ईएक्सपी। उनको लगता है कि यहाँ पे लीड्स मिलेगा, देन उनके उसके कारण यू नो दे जस्ट लीव द प्लेटफॉर्म। प्लीज गाइस, ऐसा नहीं है, इट्स अ ब्रोकरेज फॉर्म। दूसरे बेनिफिट्स के साथ भी अपने आप को ग्रो कीजिए। सो गाइस, फोर्थ टॉपिक है रेवेन्यू शेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे लोगों को लगता है कि रिक्रूटमेंट पे उनको रेवेन्यू मिलेगा। गाइस, ऐसा नहीं है। अगर आप ईएक्सपी ज्वाइन किए हो तो आपको पहले बिजनेस करना है, आपको ट्रांजैक्शन करना है, तब जाके रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर सभी यहाँ पे रेवेन्यू शेयर के लिए आया है, सभी अगर ऐसे सोचेंगे कि मुझे रिक्रूटमेंट करना है तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा और कंपनी शेयर कैसा देगी, राइट। सबसे पहले एज अ टीम लीडर आपको बिजनेस करना है, तब जाके आपके अपलाइन को मिलेगा, राइट। और जब आपका डाउनलाइन को बिजनेस करेगा तब जाके आपको मिलेगा। सो यहाँ पे अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए करना है, गाइस दिस इज अ वेरी रॉन्ग आइडिया। आपको भी ट्रांजैक्शन करना है, आपको बिजनेस करना है, तब जाके ये जो रेवेन्यू शेयर का कॉन्सेप्ट है वो सक्सेस होगा, राइट। एंड काफी लोगों को ये लगता है कि रिक्रूटमेंट किसी को भी करना है, राइट। ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रियल स्टेट प्रोफेशनल को ही करना है जो जानता हो कैसे रियल स्टेट में काम करते हैं। और अगर किसी के न्यू जॉइनर्स को रियल स्टेट में करियर बनाना है तो आप उनको रिक्रूट कर सकते हैं, राइट। सो प्लीज मेक श्योर कि आप राइट पर्सन को रिक्रूट करें आपके अंडर, प्रोडक्टिव टीम को, तब जाके आपको इसका शेयर मिलेगा, तब जाके दिस होल कॉन्सेप्ट विल गेट सक्सेस। गाइस, फिफ्थ टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ये है कि अबाउट ट्रांजैक्शन। बहुत सारे एजेंट ज्वाइन तो करते हैं लेकिन दे डोंट रिपोर्ट एनी ट्रांजैक्शन। गाइस, ऐसा मत कीजिए। आप जब कोई कंपनी से एसोसिएट होते हो तो कंपनी का कोई रूल्स है, रेगुलेशंस है, कुछ लॉज है जो आपको फॉलो करने हैं। आप जब ईएक्सपी से जुड़ते हो तो हम सबको पता होता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे वो ईएक्सपी से करेंगे। सो काफी लोग ईएक्सपी में रिपोर्ट नहीं करते हैं, दे ड्यू बाहर डील करते हैं, कैश में डील करते हैं, व्हाटएवर। सो गाइस, ये गलत है, आगे जाके आप ही टर्मिनेट हो जाओगे, यू विल बी इन अ प्रॉब्लम, राइट।
बहुत सारे एजेंट्स लोग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, लीड जनरेशन जो है वो यूज कर रहे हैं, लिस्टिंग यूज कर रहे हैं, एंड देन वर्क प्लेस यूज कर रहे हैं, बेनिफिट सब तो यूज कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट कोई नहीं कर रहा है. गाइस ऐसा नहीं है. आप जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन शो करोगे आपको ही फायदा है. आपको पता है कैपिंग आप जब हिट करते हो तो उसके बाद आपको 25% शेयर नहीं देना है गाइस. सो प्लीज सिस्टम चीजों को समझिए. जितने भी ट्रांजेक्शन से आप सबको ईएक्सपी में रिपोर्ट करना है, तब जाके आप ग्रो करोगे आगे, राइट. सो ये जो कॉन्सेप्ट है ईएक्सपी का, आपको समझना है कि आप जब ईएक्सपी में हो तो आपको हर एक ट्रांजेक्शन आपको ईएक्सपी में ही शो करना है. ओके गाइस, होप ये जो 5 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया आपको कुछ आइडिया आया होगा ईएक्सपी का मॉडल कैसे काम करता है. बिकॉज आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि सिस्टम कैसे, हमारा जो ईएक्सपी का कॉन्सेप्ट है वो कैसे वर्क करता है. आई एम श्योर आज जो डिस्कस किया मैंने आपको थोड़ा सा नॉलेज आया होगा. एंड दूसरी चीज गाइज ये है कि जो भी न्यू ज्वाइन करेंगे ईएक्सपी या ऑनबोर्डेड है, उनसे मेरा ये यही मैसेज है कि गाइज थोड़ा सा पेशेंस रखिए. 1-2 महीने में अगर आप सोचोगे मैजिक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं. आप जब कुछ नया चीज करते हो लाइफ में तो ऑब्वियसली उसको 6-8 महीना आपको लगता है, राइट. सो पेशेंस रखिए. आई एम श्योर स्लोली स्लोली आप ईएक्सपी के साथ जरूर ग्रो करोगे. ओके सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो. एंड अगर आपको कोई भी ईएक्सपी रिलेटेड या क्वेश्चन है तो मेरा नंबर नीचे है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी. आई एम हैप्पी टू हेल्प. Thank you so much for watching this video. Thank you. Bye-bye.